अस्सलामुअलैकुम, आपकी खिदमत में हाजिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नौरीन फातिमा। आज हम बात करते हैं नई एक्टिविटीज़ के बारे में कि आप किस तरह अपने बच्चे की लैंग्वेज को, स्पीच को, उनकी टेंशन स्पैम को, उनकी मेमोरी को, उनके आई कांटेक्ट को और उनके बिहेवियर्स को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप स्पीच पे आते हैं, वर्ड्स पे आते हैं, तो आप डायरेक्ट बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि एप्पल है, बॉल है, या A B C D E F G H I। आप इस तरह बच्चे को नहीं सिखा सकते, वो कभी भी नहीं सीखता। उनको हम फोनिक पे लेके चलते हैं, हम फोनिक के थ्रू हम बच्चे की स्पीच को इम्प्रूव करते हैं, उनकी फोनिक को इनक्रीज अच्छी करते हैं, उनकी मेमोरी को अच्छा करते हैं। एक वर्ड पे लेके आते हैं, फिर हम दूसरे वर्ड पे लेके आते हैं, फिर हम तीसरे वर्ड पे लेके आते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अल्फ़ाबेट बताती हूँ, आज 3 या 4 वर्ड सिर्फ बताती हूँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते रहेंगे कि किस तरह आप अपने बच्चे के साथ जब उनको वर्ड पे लेके आएँ तो किस तरह आप उनको वर्ड बताना ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये है ए, ये शायद उल्टा नज़र आ रहा है, ऐसे। ओके, जी, ये है ए। बेसिकली हम इसको ए पढ़ते हैं, लेकिन हम जब अपने बच्चे को सिखाना है तो हमने इसको ए नहीं कहना, हमने इसको कहना है अ, ए नहीं सिखाना, वो कभी भी नहीं सीखेगा। आपका बच्चा अभी सीखना स्टार्ट कर रहा है, आपके बच्चा थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, मतलब 1 साल 2 साल 1.5 साल उसने भी कोई लफ्ज़ स्पीक नहीं किया, तो आप उसको वर्ड्स पे उसकी स्पीच को किस तरह ला सकते हैं। आप उसको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि A B C D 1 2, नहीं, ये है ए। बेसिकली ये वर्ड है ए, इसको कैसे पढ़ना है हमने, ओके। नेक्स्ट ये है बी, बी, हमने इसको बी, इसको हमने पढ़ना है ब ब ब ब ब ब। जब ये इन चीज़ों पे आ जाएगा तो फिर हमने आगे वर्ड्स पे जाना है, फिर हमने उसको सिखाना है A B C। पहले इन वर्ड्स पे लेके आना है और इस तरह लेके आना है। ये है बेसिकली सी। जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो हमने कहना है क क क क, यानी कि काफ की आवाज़, क क क क। नेक्स्ट ये है डी, ये है डी, हम इसको ये बेसिकली कैमरे में थोड़े उल्टे इसके अक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डी है। ओके, जब हम डी को सिखाएंगे बच्चे को, तो हमने बच्चे को कैसे सिखाना है, डायरेक्टली डी पे नहीं ले जाना, हमने इसको कहना है ड ड ड ड, इस तरह। ओके, नेक्स्ट ये है ई, हमने बच्चे को क्या सिखाना है, ई ई। ये नेक्स्ट है एफ, इसको कभी भी एफ नहीं कहना, हमने इसको कहना है फा 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 फ। फिर इसी तरह जब आप इन वर्ड्स पे बच्चों को ले आते हैं उसके, फिर हम उर्दू की तरफ जा सकते हैं। जैसे हमने उसको आ करवाया था ना, आ से अ ब बी बे ब बू ब, जैसे हम का सिखाया था सी वाला का, ठीक है। जब उर्दू की तरफ आएंगे तो वैसे ही क, जब वो सीख जाएगा ना उसे नेक्स्ट स्टेज, की को के की, इस तरह के वर्ड। ओके, अब नेक्स्ट ओके, अब ये हमारे पास फ्रेश कार्ड है, ये बेसिकली आड़ू है, ये उर्दू के वर्ड हैं, ठीक है। जब उन चीज़ों पे आ जाएगा फिर हम उसको आएंगे आ के बाद ना, अ के बाद, अलिफ मद अ, जब उन वर्डों पे आ जाएगा उसके बाद भी हमने स्टेज पे आना है। हाँ, हम ये कार्ड वैसे उसको शो ज़रूर करवा सकते हैं, जैसे ये क्या है, डू यू नो व्हाट इज़ दिस, कैन यू टेल मी,
व्हाट इज़ दिस, बच्चा हमें बताएगा आड़ू है, पीस है, पीच है, जो भी है वो बताएगा अपने वर्डिंग में, ठीक है, बताता है तो वेल एंड गुड, नहीं बताता तो फिर हम उसको खुद बता सकते हैं, वाओ अब खाते हो, मज़े का है, यमी, वाओ। अब ये आ गया है उर्दू में अनार, ठीक है। ये जब हम ये वर्ड क्लियर कवर करवाते हैं ना, तो इसमें ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, एलिफ, ओके। तो ये है अनार, हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, एलिफ जब इन चीज़ों पे आ जाता है, उसके बाद वाओ अनार खाते हो, खाने जाओ, बाबा को बेलो लेके आए, जाओ मम्मी से लेके आओ, मज़े का, सुबह मेरे लिए भी लेके आना, यम्मी, इस तरह, इस तरह, इन चीज़ों के थ्रू आप अपनी चीज़ों को जितना इंटरेस्टिव करेंगे उनके लिए, जितना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, बच्चा उतनी जल्दी उतना अच्छा ही रिस्पॉन्स आपको देगा। जैसे ये फ्रूट्स हैं, हम कह सकते हैं वाओ फ्रूट्स, इनमें से कौन सा पसंद है, डू यू लाइक, विच फ्रूट इज़ यू लाइक डू, बच्चा आपको खुद बताएगा, आप उसको खाएं, मतलब नहीं वैसे ऐसे यम्मी, अगर पास है तो उसको खा के दिखाएं ताकि वो भी खाना शुरू कर दे। जैसे ये मक्खन है, बेसिकली हम इसको उसको बता सकते हैं ये क्या है, बताओ, बच्चा समटाइम तो बता देता है कि मक्खन है, वास्तव में कहता है आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम इसी शेप में होती है ना, तो इससे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी। जैसे ये हनी है, तो हम बच्चे को पूछ सकते हैं कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा आपको पता है जैम वाली बोतल देखता है अपने सामने, अपनी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, डेली बेसिस पे, तो वो आपको बताना शुरू कर देता है, मम्मी टीचर जैम, टीचर जैम, डॉक्टर जैम, खाता हूँ यम्मी, आज मैंने मम्मी को बोला, जब वो वर्डिंग पे थोड़ा थोड़ा आ जाता है, और नहीं तो उसका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, वो जब डेली बेसिस पे खाना खाता है, टोस्ट पे, ब्रेड पे, तो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी, मम्मी शहद, मम्मी जैम, फिर बताता है कि टीचर ने कहा था मज़े का है तो खाना है। ऐसे उनके जो बच्चे नहीं खाते वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, और ये है एनिमल बुक्स, एनिमल बुक्स, ये भी इसके थ्रू भी हम बहुत से बच्चों को उसकी स्पीच को, उनकी इंटोनेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये है लाइन, ओके, और ये है टाइगर, हम बच्चे को बता दो बेटा, बेटा व्हाट इज़ दिस, टेल मी, बच्चे को पता है तो ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप खुद बताएं कि लाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता के उसको, एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आप बच्चे की स्पीच और उसका टेंशन पे, हम उसका आई कॉन्टैक्ट इससे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने इसको दिखाया लाइन या टाइगर, पता है कैसे बोलता है, हो, एक तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, एक उसकी स्पीच, उसके वर्ड, उसके फोनिक बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल आजमाई हुई चीज़ें हैं जिसके थ्रू बच्चों की स्पीच बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है, उनका टेंशन स्पैम, उनके इवन दैट सिटिंग बिहेवियर बड़ा अच्छा हो जाता है। आपको पता बच्चा जब आपके पास आता है तो वो सिटिंग बिहेवियर नहीं होता, वो काम नहीं करता, वो आपको रिस्पांस नहीं देता। जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसे मज़े से करवाती हैं तो वो आपको रिस्पांस देता है, वो आपकी हर चीज़ पे खुद इंटरेस्ट लेता है, खुद वो आके आपके पास बैठता है हर रोज़, और अपनी पेरेंट्स को, फैमिली को कहता है कि हमने नहीं जाना आज, टीचर से नहीं मिलना आज, हमने ये काम नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे की खुद उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी डिफ़िकल्टी को फेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आगे कलर, ये मेरे होममेड हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, तो आप ऐसे घर में कलर्स बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है, अपने बच्चों के लिए सब करें, सब जायज़ है। कलर्स जैसे येलो, ब्राउन और सारे कलर्स हैं इसमें, ओके, और आप इसको ऐसे सिखाएंगी, जैसे ये है पिंक कलर ना, पिंक कलर, अब उस बच्चे को जो कलर सिखाना हो, जैसे मैं आजकल अपने एक बच्चे के साथ रेड पे काम कर रही हूँ, तो मैं उसके सामने रेड कोट पहन के जाती हूँ, उसकी फैमिली को कहा हुआ कि इसको रेड कोट पहना के लाएं, इवन दैट उसका बैग भी रेड है, उसको रेड कलर उसके कलर्स में से उठवाती हूँ, उसकी जो उसको डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ देती हूँ उसमें रेड कलर यूज़ करवाती हूँ। ऐसे इस तरह से बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। अब वो खुद बताता है, आज मैंने उससे पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा बेटा बट आपके कलर कौन सा पहना हुआ है, ये जैकेट का कलर प्लीज़ टेल मी, आपकी जैकेट का कलर कौन सा है, तो उसने कहा टीचर रेड, वाओ मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मतलब इसके माइंड में एक चीज़ रह गई है। इस तरह से आप अपने बच्चे के हर एरियाज़ में बहुत अच्छे से वर्क कर सकती हैं।
थैंक यू सो मच। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको टिल एंड तक ज़रूर देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।